अभी जा रहे हैं नागपुर बाइक रोड एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर तनु स्पिरिट्स। सो अभी हम लोग निकले हैं सुबह 7:40 बजा है एंड वी आर लीविंग बैंगलोर एट 7:40। होपफुली वी क्रॉस बैंगलोर एज सून एज पॉसिबल क्योंकि आज वीकेंड है एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ कार्स दैट विल बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द बैंगलोर। तो वी आर गोइंग बाय हैदराबाद तो वी विल स्टॉप इन हैदराबाद होपफुली। अभी 8 घंटा दिखा रहा है हैदराबाद के लिए तो हम लोग हैदराबाद पहुंचेंगे वहां पर एक रात स्टे करेंगे एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग टूवर्ड्स नागपुर। एंड हमारे साथ है तनुज रिलेटिव्स एक्चुअली सो ही इज तनुज अंकल बट ऑफ द सेम एज सो वी बेसिकली कॉल हिम बाय हिज फर्स्ट नेम ओनली। तो कोई ऐसा कुछ मतलब अंकल अंकल बोलते नहीं है। और ये नेहा निवान यहाँ बैठे हैं जो कि बेड हमने लिया है कार के लिए ये यहाँ पे हमने रखा है बाद में उसे दिखाएंगे आपको। इसके ऊपर बच्चे बैठ के आराम से सो सकते हैं कोई गिरने का डर नहीं है और दो जन है तो ये काफ़ी यूजफुल है हमें तो बहुत अच्छा लगा। ओके जैसे आपने सुबह देखा कि कितना ज़्यादा फॉग था कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी अभी हल्की हल्की विजिबिलिटी आ रही है बट फिर भी आप जैसे देख सकते हैं बहुत आगे तक का क्लियर नहीं है। आई थिंक ये हमने आफ्टर लॉन्ग टाइम अब तक का जो 2 महीने से जो ठंडी पड़ी है उसमें अभी फर्स्ट टाइम देखा है बिकॉज नेहा निवान के लिए भी हम ऐसे टाइम पे सुबह उठ रहे थे स्कूल के लिए पर तब हमको इतनी ज़्यादा फॉग दिखी नहीं घर के सामने और ये है मेरे चाचा जिनकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे निहान निवान जो हमने बताया था कार में बेड लगाया है उस पे बैठ के आराम से मस्ती कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। सो अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ी फॉगी है विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है ड्राइव करने में भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी और अब बच रहे थे कुछ 9:30-10 o'clock अराउंड स्टिल विजिबिलिटी क्लियर नहीं था। हमें लग रहा था कि हम थोड़ा लेट निकले बट ये देखकर लगा कि हम सही टाइम पे निकले अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। एनीवेज बहुत मज़ा आ रहा था इस फॉगी ड्राइव में एंड देन यहाँ से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा फॉग कम हो चुका था ये कुछ अराउंड 10:30-11 o'clock बट स्टिल बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी यहाँ पर। निहार निवान थोड़े से बोर हो चुके हैं बट इन्जॉय कर रहे हैं बोल रहे थे रोड ट्रिप बीच में थोड़ा सो रहे हैं थोड़ा उठ रहे हैं थोड़े बैठे हैं बस यही चालू था इनका थोड़ा अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे बट हमने उनको बोला कि थोड़ा सो जाए बट वो नहीं सो रहे थे उन्हें सोना नहीं था स्लीपी आइज तो थी बट फिर भी उन्हें सोना नहीं था। इसी तरीके से हमारा रोड ट्रिप चल रहा था। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे बीच में एंड वी हैव लेफ्ट नाउ तो वी स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड समारा विच इज़ यूजुअली नॉट वेरी क्राउडेड लेकिन आज बहुत क्राउड था एंड वी हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहाँ पर स्टॉपेज जो हम लोग का 30 मिनट्स का जो प्लान था वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर हो गया। हाउएवर दैट ब्रेक वॉज नेसेसरी फॉर द किड्स फॉर अस वी हैड अ ब्रेकफास्ट हम लोग ने इडली खाया विच इज़ फास्ट मूविंग क्विकली कम्स and then we had one coffee we got refreshed फिर वहाँ से हम लोग फिर and the kids had the washroom break etc and then we kind of started now अभी हम लोग जा रहे हैं next stop which is a very unique name Amazon restaurant करके कुछ जगह है which is around 3 hours from here and we will stop there directly ना थोड़ी देर बाद किया का factory आएगा which is very famous right so all the riders and adventure enthusiasts जो बैंगलोर से निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए दे यूजुअली कम एट दिस प्लेस विच इज किया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये हाईवे पे आप देख पाओगे किया टेस्ट ड्राइव भी चल रहा होगा आई हैव सीन कपल ऑफ देम गोइंग सो यू विल एक्चुअली सी न्यू कार्स ऑफ कियाज बीइंग टेस्ट रिडन।
और भाई ये किया है, दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द कियाज आर मैन्युफैक्चर्ड, डिफरेंट कार्स ऑफ कियाज आर मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ से सप्लाई होता है. ट्रक्स हियर व्हिच आर बेसिकली यूज्ड टू कैरी पार्ट्स. किया, अगर किया आ गया तो दैट इज दैट मींस वी आर इन द मिडल मिड जर्नी ऑफ हैदराबाद. तो अभी हम हैदराबाद में एंट्री कर चुके हैं, मतलब अभी भी आउटस्कर्ट्स में हैं और यहाँ पे बहुत सारी एग्जिट्स हैं, तो वो बहुत ध्यान से लेना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत बड़ा यू टर्न लेने की नौबत आ जाती है. हमारा एग्जिट 19 हमें लेना था और यहीं से हम हैदराबाद सिटी की तरफ अंदर जा रहे थे. अभी हम नागपुर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे ड्राइव करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से हाई स्पीड में चलाई जो बेंगलोर में नहीं मिलेगी. ये चंद्रपुर के आसपास कोई जगह है, यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था. हमारे साथ जो रिलेटिव थे उनको हम बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे. यहाँ से अब सीधा जाके आगे थोड़ा सा और जाने के बाद एक टर्न लेंगे तो वहाँ आपको टाड़ोबा रिज़र्व आएगा. फिर नागपुर जाते समय हमने यहीं पे डिनर किया, इसका नाम है यू टर्न गार्डन. एंड आई शुड टेल यू दैट यहाँ की सर्विस ज़बरदस्त थी, मतलब ऐसी सर्विस हमें कहीं पे नहीं मिली. हमने बस ऑर्डर दिया जीरा राइस, चिकन और 3 रोटी, एंड लिटरली 5 मिनट्स में हमें मिल गया. हमने खा लिया और आधे घंटे में हम अपने घर की तरफ निकल पड़े. तो गाइज, अगर आप यहाँ आते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें. अभी हम पहुंच गए हैं नागपुर और घर की तरफ चल रहे हैं. ये एरिया अब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा हो गया है. तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ धीरे धीरे. हमने कार थोड़ी दूर पार्क करी है और अभी हम एंट्री लेने केस में है. मैं तो ठीक से वीडियो कैप्चर नहीं कर पाऊंगी सामने से, बट ये थोड़ा बहुत लिया है. बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज देखकर. जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों एकदम सरप्राइज्ड हो गए. नेक्स्ट डे हम निकल गए थे कुराडी मंदिर के लिए. इसके बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूंगी. तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सी यू, बाय.